पक्ष वीरेंद्र यादव आपसे ही करते हुए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां से किस तरह की जानकारी से आप लोगों को मिल रही है और गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कोरोना का अब सीधा सीधा असर देश के अलग अलग गांवों में देखा जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो मौतें हो रही हैं, चूंकि वहां पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, कई ऐसे गांवों से खबर सामने आई, इस वजह से जो मौत है उसके पीछे की वजह भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। टेस्टिंग एक बड़ा कारण नहीं होने का, लोग वहां पर मासूम, उनके पास उस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, कैसे समझाएंगे आप और स्थिति क्या है सर? बिल्कुल चित्रा जी, ये स्वाभाविक था क्योंकि ये अल्टीमेटली कोरोना या कोविड या वायरस था, वो शहर से या गांव में या इसका स्प्रेड लाजमी था क्योंकि पेंडेमिक किसी भी एरिया को अल्टीमेटली अछूता नहीं रख सकता, ये इसका स्प्रेड होना स्वाभाविक था। जहां तक मैं हरियाणा विशेष की अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला, 7 जिलों में। गुरुग्राम में इसका अधिक प्रभाव नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मैं आपको सारी चीजें इसलिए एक साथ करूंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा, तो मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारी हरियाणा सरकार ने इसी को ऊपर देखते हुए, क्योंकि अनेक जिलों में कहूं या प्रदेशों में गांव में कोरोना का स्प्रेड देखने को मिल रहा था, तो हमने एक हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की है और इसमें एक फील्ड टीम बनाई गई है और एक हेडक्वार्टर टीम बनाई गई है। तो फील्ड टीम का एक काम रहता है कि वो जाकर उसमें, जो फील्ड टीम हमारी होती है उसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक स्कूल टीचर और एक साथ में ग्राम पंचायत का आदमी है, वो जाकर सर्वे करते हैं, डोर टू डोर सर्वे, और अगर जिन लोगों को जरूरत पड़ती है टेस्टिंग की, तो उनका रैट टेस्ट हमारी या तो LHV या LT, हमारा फार्मासिस्ट, उनको हमने सबने ट्रेनिंग दे रखी है, वो टेस्ट करता है। साथ में एक नॉन हेल्थ मेंबर होता है जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर सारा रिकॉर्ड को बनाकर, हमने 164 में, गुड़गांव की बात करूं, हरियाणा में कुल मिला के आज 1000 ऐसे हमने विलेज कोरोना केयर सेंटर के नाम से बनाए हैं। वहां पर हम उन लोगों को सिंपल आइसोलेशन में रखते हैं, वहीं गांव के पास रहें वो, ताकि अपने घर से दूर ना जाएं, उनको खाने को मिले और अपने परिवार के से आइसोलेट भी रहें लेकिन पास भी रहें। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकता है बहुत सी जगह नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं अपने यहाँ का एक एग्जाम्पल देते हैं, हमने जो एरिया, जिन एरियाज में पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है विलेज में, हम वहां पर रेगुलर कैंप लगाकर काम करते रहे हैं। पहले RT-PCR ज्यादा टेस्टिंग के लिए कहा गया था ICMR से, लेकिन अभी रिसेंटली ICMR ने ये कहा है कि जी एंटीजन टेस्ट, जिसको हम रैट बोलते हैं, वो मैक्सिमम करें ताकि ऐसे केसेस को जितना जल्दी हो सके हम आइसोलेट कर सके और पॉजिटिव केसेस को फैमिली से दूर करके ऐसे कोविड केयर सेंटर्स में रख सकें ताकि ये दूसरों को संक्रमण ना फैलाएं। ये महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपकी ओर से कही गई है और यही बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और अब डॉक्टर पूनम सिंह सिसोदिया, में सीधे आपका रुख करते हुए, छत्तीसगढ़ की इस वक्त गांवों की स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में हम सब ने देखा था कि छत्तीसगढ़ भी किस तरह के तमाम क्राइसिस से गुजर रहा था, हालांकि कई बड़े कदम भी उठाए गए, इस वक्त वहां के गांवों की क्या स्थिति है और एहतियातन भी आप लोगों की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, आदरणीय TS सिंहदेव जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई है और इसके तहत हमारे जितने गांव हैं उन गांवों में हम लोगों के द्वारा जगह जगह जाकर एक तो पहचान की जाती है, मितानिनों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, मितानिन जो हमारे गांव में वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी हैं, उनके द्वारा जाके लगभग हमारे जैसे सरगुजा जिले में 3600 मितानिन है, ये 3600 मितानिन हमारे 540 गांव में घूम घूम के जिनको लक्षण है उनका पहचान करते हैं। वहीं पर हमारे पे एक मोबाइल टीम है, लगभग 102 पूरे जिले में हमारे पास में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए हमारे पास में समस्त हमारे केंद्रों में 198 केंद्रों में हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे 352,725 टेस्ट किए गए हैं, लगभग 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इसमें हमारी पॉजिटिविटी रेट है अभी जो 7.72 नेशनल एवरेज से काफी कम है जी। इस तरीके से और हम जैसे ही कोई लक्षण आता है हमने जांच करते हैं, रिपोर्ट देते हैं और हमारे पास में जो किट होता है, एक किट हमने बनाया हुआ है मितानिनों के, जिसमें आइवरमेक्टिन, टॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब होते हैं, हम तत्काल उस गाँव में हमारे सामने उनको खिलाया जाता है। उसको जो घर में आइसोलेट किया जाता है, अगर मान लीजिए रहने के नहीं है तो हमारे यहाँ पे जो गांव में क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं,
वहां पर हम उनको ले जाके रखते हैं, जी हमारे एफआरए जो होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। इस तरीके से अभी हमारे यहाँ पूरे गांव में स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है, कोई इसमें ये की बात नहीं। तो आपका ये कहना है कि आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ के गांवों में स्थिति नियंत्रण में है और सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं।